Hello everyone, in this video we will discuss theorem 10.6 of class 9, which says equal chords of a circle are equidistant from the center. So ये theorem हमें क्या बताता है कि अगर एक circle की two equal chords हैं तो वो center से भी क्या होंगी, equal distance पे present होंगी. So हमें इसमें क्या given है, PQ is equal to RS. So हम इसे यहाँ पे write down कर लेंगे, PQ is equal to RS. और हमें प्रूव क्या करना है कि इनकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है. मींस ओ एल इज इक्वल टू ओ एम. और जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर से मेजर करते हैं. सो ये दोनों यहाँ पे एंगल क्या बना रही हैं, 90 डिग्री. ओके, सो हमें प्रूव क्या करना है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम. नाउ टू प्रूव दिस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ को क्यू से ज्वाइंट कर देंगे एंड ओ को एस से ज्वाइंट करेंगे. सो हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ एस. ओके, नाउ हियर वी हैव टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ क्यू एल एंड ट्राइंगल ओ एस एम. सो इन ट्राइंगल ओ क्यू एल एंड triangle OSM, we can see that angle L is equal to angle M. Okay, because ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे angle L is equal to angle M because this is 90 degree each. Okay, now similarly OQ is equal to OS because this is radii of a circle. So OQ is equal to OS because this is radii of a circle. Now here LQ also equal to MS. अब ये दोनों equal कैसे होंगे? Because हमें यहाँ पे जो given है कि ये दोनों chords PQ and RS same length की हैं और यहाँ पे इनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने क्या ड्रॉ किया है, ओ एल एंड ओ एम परपेंडिकुलर. सो जब भी हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या, उस कॉर्ड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सो अगर ये दोनों की लेंथ सेम है तो इनका हाफ भी क्या होगा, सेम होगा. ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल क्यू इज इक्वल टू एम एस बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर. रीजन क्या देंगे हम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ओके, सो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, मीन्स राइट एंगल है, और ये जो ओ क्यू एंड ओ एस है वो राइट एंगल के सामने वाली साइड है, तो क्या हो जाएंगी, हाइपोटेनस. सो ये हमने यहाँ पे हाइपोटेनस दोनों की इक्वल है और वन साइड इक्वल है. सो अकॉर्डिंग टू आर एच एस वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ क्यू एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एस एम बिकॉज ऑफ आर एच एस. ओके, नाउ अब हमने ये तो प्रूव कर दिया है कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. सो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी वी कैन से दैट ओ एल इज इक्वल टू ओ एम. सो ओ एल इज इक्वल टू ओ एम बिकॉज ऑफ सीपीसीटी, हैंस प्रूव. हमें ये प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं.